ये एक्सप्लोजिव जेरोन के जितने भी कंपाउंड्स हैं ओ के साथ वो एंडोथर्मिक होते हैं और एक्सप्लोजिव का, का काम करते हैं सो दिस इज हैविंग थ्री सिग्मा एंड वन लोन पेयर दिस कंपाउंड इज हैविंग सिग्मा एंड वन लोन पेयर सो इट इज पिरामिडल शेप तो ये, ये सब इलेवंथ का, का काम है जो जिसको वेस्पर थ्योरी आती है उसको आसानी से समझा जाएगा इसके बिना पेपर नहीं बनता कोई भी इसके बिना पी ब्लॉक का पेपर नहीं बनेगा थ्री मार्क्स के स्ट्रक्चर जरूर आते हैं चाहे वो ऑक्जो एसिड्स के स्ट्रक्चर आ जाए चाहे इन कंपाउंड के स्ट्रक्चर आ जाए तो पहला एक्सी है जिसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है इसलिए स्ट्रक्चर इसका पिरामिडल होगा इस तरीके से और ओ के कंपाउंड ओ के कोई भी आ, अगर ओ आ जाता है जनऊ के अंपाउंड से तो वो एक्सप्लोजिव माना जाता है अब नेक्स्ट है एक्सी ओ एफ टू एक्सी ओ एफ टू में मेरे पास क्या है तीन सिग्मा बॉन्ड है दो लोन पेयर है तीन सिग्मा प्लस दो लोन पेयर तो क्या आ जाएगा ये एस पी थ्री डिहाइब्रेशन हो जाएगी इसकी और शेप आ जाएगी टी शेप क्या शेप आ जाएगी टी शेप ये टी शेप आ जाएगी ऐसी एक्सी ओ टू एफ टू है तो इसमें चार सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड काउंट करने और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होता है वो हमेशा एक्जियल पोजीशन पे होता है इसलिए एफ दोनों एक्जियल पोजीशन पे पर और शेप आ जाएगी सी सो ये सारा एलेवंथ का, का काम है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं इसको वेस्पर थ्योरी चाहे तो केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर देख सकते हैं एक्सी ओ थ्री एफ टू एक्सी ओ थ्री एफ टू के अंदर आ, पांच क्या है सिग्मा बॉन्ड है पांच सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर तो है नहीं इसमें तो एसपी थ्री डी आ जाएगी और ये शेप आ जाएगी एक्सी ओ थ्री एफ टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जैसे एक्सी ओ टू एफ टू ले लिया मैंने एक्सी ओ एफ फोर ले लिया सपोज एक्स सी ओ एफ फोर ओ एफ फोर में पांच सिग्मा बॉन्ड है इसमें वो इनका आना चाहिए पांच एक बोमा है और एक लोन पेयर है तो इसकी पिराम पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल शेप आ जाएगी स्क्वायर एक्स सी एफ, एफ 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 और ये आ गई स्क्वायर पिरामिडल शेप एक पिरामिड बन जाएगा इसमें एक पिरामिड बन जाएगा ये एक पिरामिड आ जाएगा एफ और नीचे लोन पेयर ये है स्क्वायर पिरामिडल शेप स्क्वायर पिरामिडल ये शेप आ जाएगी एक्सी फोर की फिर एक्सी और इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं जैसे एक्सी एफ टू ले सकते हैं एक्सी एफ टू एक्सी एफ टू की इसमें दो सिग्मा बॉन्ड हैं और तीन लोन पेयर हैं तो इसकी शेप आ जाएगी दो सिग्मा बॉन्ड तीन लोन पेयर लीनियर शेप आ जाएगी लिनियर शेप इस तरीके से जेनोन के से सकते जरूर पूछते हैं ये इंपॉर्टेंट है बहुत लीनियर शेप आ जाएगी क्लियर लीनियर शेप आ जाएगी इसमें फिर ले लिया मैंने एक्ससी एफ फोर तो इसमें चार सिग्मा बॉन्ड है और दो लोन पेयर है तो उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर आ जाएगी एफ 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 और ये लोन पेयर तो स्क्वायर प्लेनर स्क्वायर प्लेनर शेप आ जाएगी एक्सी एफ फोर एक्सी एफ सिक्स की डिस्टॉटेड डॉक्टर हेटल एक्सी एफ सिक्स की बात करें तो उसकी डिस्टॉटेड डॉक्टर जिसको हम कैप डॉक्टर भी कहते हैं ये और एक लोन पेयर दिखा देंगे तो इसमें सिग्मा और एक लोन पेयर तो एस पी थ्री डी थ्री होगी हाइबिशन की बात करें तो और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्लियर तो ये शेप्स ऐसी पूछी जाती हैं तो उसमें क्वेश्चन एन के अंदर दे रखा है कौन सी जैसे क्वेश्चन है ये ये एन का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सा नोबल गैस का कंपाउंड है जो इसके साथ आई सी होगा विच नोबल गैस कंपाउंड इज आई स्ट्रक्चरल विद दिस कंपाउंड तो नोबल गैस बनाना मैं तो मैं सी नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज हटा देंगे इसके क्या बन जाएगा दिस इज इक्वेलन टू

तो ये स्ट्रक्चर थे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए सारे नेक्स्ट अब इसकी कुछ रिएक्शन रह गई थी रिएक्शन नोट करेंगे जल्दी से रिएक्शंस ऑफ एक्स सी एफ एन ले सकते हैं रिएक्शन ऑफ एक्स एफ एन रिएक्शन ऑफ एक्स ई एफ एन एक्स एफ एन की रिएक्शन ले लेंगे एक्स सी एफ एन जैसे विद रिएक्शन ऑफ एक्स सी एफ एन विद अगर मान लो आयनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड के डायरेक्शन कैसे हुई आयनिक फ्लोराइड आयन है इसके पास और एक के पास कोलेंड आयनिक फ्लोराइड आयन है किसी के पास और किसी के पास कोलेंड फ्लोराइड आयन है तो उसमें रिएक्शन कैसे होगी दो तीन रिएक्शन दे रखी है आर के अंदर वही कर रहे हैं हम जैसे मान लो एम एफ है एम यहाँ पे कोई भी एम क्या है यहाँ पे ध्यान रखना चीज़ का एम यहाँ पे सोडियम हो सकता है पोटेशियम हो सकता है रोबीडियम हो सकता है सीजियम हो सकता है इनमें से कोई भी एक कंपाउंड होता है एम तो एम एफ रेक्शन हुई अगर मान लो एक्ससी एफ सिक्स के साथ एक्ससी एफ सिक्स के साथ तो ये क्या बना देगा एम प्लस एम प्लस क्योंकि जो अल्कली मेटल है एम के यहाँ पे अल्कली मेटल ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा ये तो अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से देगा तो यानी एफ माइनस को ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स कह लें या एफ माइनस कह लें एफ माइनस ये आसानी से, से डोनेट करेगा और ये बन जाएगा एम प्लस एक्ससी एफ सेवन नेगेटिव एम प्लस एक्सी एफ सेवन नेगेटिव तो ये चीज़ यहाँ रखनी है अगर मान लो मैं इसमें एम एफ की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल ले लूँ से सी एस एफ सी एस एफ ले लिया प्लस एक्स सी एफ सिक्स तो ये सेम कंपाउंड बना देगा आइनिक कम्पाउंड है तो वो अपना फ्लोराइड डोनेट करेगा वो अपना फ्लोराइड क्या करेगा डोनेट करेगा और ये बन जाएगा एनाइनिक स्पीसीज कौन सा स्पीसीज बन जाएगा दिस इज कॉल्ड एज एनाइनिक स्पीसीस एनाइनिक स्पीसीस बन जाएगा तो इसको भूलना नहीं इंपॉर्टेंट डरेक्शन से वाली ये भी पूछी जाती है आजकल तो एम ये आ जाएगा इस तरह से और ऐसे ही कोई भी और कंपाउंड ले लिया मैंने इसमें सपोज मैंने ले लिया से आर बी एफ ले लिया प्लस एक्सी एफ फोर ले लिया आर बी एफ प्लस तो आर बी प्लस एक्स ई एफ फाइव नेगेटिव बन जाएगा आर बी प्लस और एक्सी एफ फाइव नेगेटिव फिर मैंने ले लिया सपोज के एफ प्लस एक्सी एफ टू तो इसमें बनना चाहिए K प्लस एक्ससी एफ थ्री नेगेटिव तो ये सोचना है इसके अंदर कि दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग वेरी मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है ये खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन वाई रिएक्शन इज नॉट गोइंग वेरी मच इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन ये एक्ससी एफ थ्री नेगेटिव के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो ये सोच के बताना कि क्या आंसर आएगा इसका तो नेक्स्ट अब आएगा इसके अंदर अब ये हमने कर लिया किसके आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड क्या है फ्लोराइड 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 दिस दिस इज इज आयन आयन डोनर 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 क्लियर आयनिक कंपाउंड है है ये F है और ये क्या कर रहा है एफ माइनस को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए क्या बन रहा है एनाइनिक स्पीसीज एनाइनिक स्पीसीज किसको देख के बोल रहे हैं इसको देख कर बोल रहे हैं एनाइनिक स्पीसीज ऐसी अगर कोवेलेंट फ्लोराइड का अगर रिएक्शन होगी अगर फ्लोराइड कोवलेंट फॉर्म में है तो रिएक्शन कैसे होगी अगर फ्लोराइड कोवेलेंट फॉर्म में है तो रिएक्शन कैसे होगी जैसे अगर मैंने ले लिया एग्जाम्पल से पी एफ फाइव पी एफ फाइव ले लिया साथ में ले लिया एक्सी एफ टू सपोज ये ले लिया तो आयनिक फ्लोराइड अब ये कोयलन फ्लोराइड है तो इसमें तो फॉस्फोरस है जो कि नॉन मेटल है तो वो तो फ्लोराइड इनको क्या करेगा इमिडिएटली एक्सेप्ट करेगा तो ये अब इस केस में फ्लोराइड अपना डोनेट करेगा ना एक्ससी एफ टू विल गिव इट सेलेक्ट इट्स फ्लोराइड फ्लोराइड अपना देगा ये तो बन जाएगा एक्ससी एफ प्लस पी एफ सिक्स नेगेटिव तो ये कंपाउंड मिल जाएगा इस तरीके से ये कंपाउंड इस तरीके से मिल जाएगा और एग्जाम्पल इसकी जैसे अगर मैंने ले लिया मतलब ये अपने ये ध्यान रखना ये दे शुड बी अपनी दिस शुड बी इन इट्स हाईएस्ट स्टेट फॉस्टोरस की स्टेट प्लस फाइव है हाईस्ट स्टेट में होना चाहिए फाइएस्ट स्टेट में होना चाहिए नहीं तो फिर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होती है इसके अंदर रिएक्शन प्रॉपर नहीं होती जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ उसके अंदर मान लो मैंने पी ले लिया इधर पी ले लिया और एक्ससी एफ ले लिया एफ थ्री और एक्ससीएफ टू ले लिया इस केस में अब इस फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगी इसमें क्या बन जाएगा पी एफ फाइव अब ये अपना फ्लोरीन डोनेट करेगा इमीडिएटली अपना फ्लोरीन डोनेट करेगा और इसको लेना पड़ेगा ये फ्लोरीन और जेनोन तो ये रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी इसमें क्लियर रेडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस क्योंकि ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ऐसा हो रहा है तो ये बन जाएगा इसमें और ये ध्यान रखना इसमें अब बने हमारे क्या कैटाइनिक्स पीसेस बने हैं क्योंकि जेनोन वाले कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है कैटनिक्स पीसेस जब कोवलेंट आ जाएगा फ्लोराइड तो फिर ये अपना एफ माइनस को एक्सेप्ट करेगा इसलिए क्या बनेंगे बनेंगे क्या बनेंगे तो ये वाला एक स्पेशल केस था मैंने बता दिया नोट कर लेंगे ननसीआरटी में नहीं है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम्पल इसकी कर सकते हैं जैसे एस ले लिया मैंने अगर हाईएस स्टेट में ये तो एक्ससी एफ सिक्स के साथ रिएक्शन हुई अगर तो क्या बन जाएगा इसके अंदर एक्ससी एफ फाइव प्लस एक्ससी एफ फाइव प्लस प्लस एस बी ये अपना एफ डोनेट करेगा और ये नॉन मेटल मेटलॉइड की फॉर्म में तो ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको एक्स एस बी एफ सिक्स नेगेटिव बन जाएगा तो ये कटानिक स्पीसेज बन जाएगा क्या बन जाएगा कैटानिक स्पीसेज सही है लाइक दिस कैटानिक स्पीसेज विल बी फॉर्मड अगर मैं रिएक्शन करूँ सपोज एच एफ के साथ एच एफ प्लस एफ सिक्स तो इस केस में भी एच एफ को भी हम कोल काउंट करते हैं इसमें ये एक्सेप्शनल केस होता है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस है ज्यादा है आयनिक कंपाउंड के बराबर का है लेकिन फिर भी इसको कोल काउंट करते हैं तो इस केस में भी क्या हो जाएगा Xc अब इसमें बत, सोच ही बताना कि क्यों बनाइए एक्ससी एफ फाइव प्लस एच एफ टू नेगेटिव ये कंपाउंड मिलेगा इसके अंदर तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनसीईआरटी में नहीं है तो वैसे वैसे इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये तो ये कर सकते हैं ये रिएक्शन है कोर्स में है, हमारे बस इसको छोड़ के, एक दो रिएक्शन को छोड़कर हमारे तो कोर्स में सारा ये अब नोट करेंगे इसकी रिएक्शन हो चुकी है नेक्स्ट अब इसके अंदर हम कर सकते हैं इसके यूज वगैरह यूजेज हाँ एक क्वेश्चन हुआ था बोर्ड में आया था कंपाउंड्स ऑफ जेनोन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड अप्रोच कंपाउंड ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2012 का कंपाउंडस ऑफ जेन के नॉट बी एक्सप्लेन बाई वैलेंस बॉन्ड अप्रोच तो क्या आंसर आएगा इसका वैलेंस बॉन्ड अप्रोच क्या कहता है कि दो अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं दो एटम के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं अगर एटम्स के पास जैसे एच के पास एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल वन एस वन होता है एच दूसरा एच बी वन एस वन तो दोनों बाउंड बना लेंगे दोनों क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे लेकिन जेनोन के कम्पाउंड्स में तो फुल फिल्ड होते हैं वो तो फुल फिल्ड होते हैं जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच है इट एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड अप्रोच इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स सही ना बट जेनोन और नियॉन और एनी अदर नॉबल गैस इज नॉट हैविंग एनी इज नॉट हैविंग एनी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जेनोन तो बैलेंस बॉन्ड अप्रोच का कंसेप्ट किस पर बेस्ड है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के ऊपर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आके ओवरलैप करेंगे तो बॉन्ड बनेगा बट जेनोन है या कोई भी नॉर्वल गैस है इसमें कोई हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है ही नहीं तो इसलिए बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं होंगे तो अगर हम इसको सप्लीमेंट कर दें अगर हम इसको इसमें हाइब्रिडेशन को इन्वॉल्व कर दें तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अदरवाइज वी कांट एक्सप्लेन तो ये बैलेंस बॉन्ड अप्रोच कांट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन कंपाउंड ये क्वेश्चन कर लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे अच्छा यूजेस करेंगे आप यूजेज में पहला आ जाएगा हीलियम ना यूजेस देखेंगे इसमें जिसमें यूजेस भी इसके पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट यूज तो पहला ले लिया मैंने हीलियम हीलियम ये पहले कहा सबसे इंपॉर्टेंट यूज का यूज यूज इन डाइविंग अपेरिटिस एनसीआरटी का क्वेश्चन है ये डाइविंग एपेरेटिस में हीलियम को क्यों लेते हैं डाइविंग एपेरिटिस ड्यू टू इट्स लेसर सॉलिबिलिटी इन ब्लड ये याद रखना भूलना नहीं लेसर सॉलिबिलिटी इन ब्लड इसकी डिटेल मैंने सॉल्यूशन चैप्टर में भी बताई हुई है उससे भी कर सकते हैं लेसर सॉलिबिलिटी इन ब्लड जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं दे यूज़ टू टेक ऑक्सीजन अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन भी लेके जाते हैं वो और साथ में नाइट्रोजन लेके जाते हैं और साथ में हीलियम लेके जाते हैं लेकिन क्या कहते हैं हीलियम जो है वो क्यों लेके जाते हैं जब क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है ज़्यादा जब अंदर जाएगा पानी के अंदर डाइवर तो अंदर प्रेशर ज़्यादा और अंदर वो नाइट्रोजन गैस चली जाएगी जिसका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर तो जैसे ही डाइवर तेजी से बाहर आएगा तो बाहर आएगा तो नॉर्मल प्रेशर में आएगा तो फिर वो गैस जो नाइट्रोजन गैस है वो तेज़ी से बाहर निकलती है जिसकी वजह से बैंडस और डीकम्प्रेशन इस टाइप की और बहुत ही पेनफुल होता है जब गैस वो बाहर आती है कई बार डेथ भी हो जाती है इसीलिए नाइट्रोजन का अमाउंट कम कर दिया

एरोप्लेन टायर्स क्योंकि लाइट होती, होती है सब सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन है सबसे लाइटेस्ट तो हाइड्रोजन है लेकिन ये हाइड्रोजन तो क्या है हाईली इंफ्लुबल है तो इसको तो यूज ही नहीं कर सकते हीलियम का फोर है तो फिल्ड इन ट्यूब्स ऑफ फिल्ड इन ट्यूब्स ऑफ एरोप्लेन टायर्स एरोप्लेन टायर्स दूसरा ये नॉबल गैस है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के तो काम आ ही सकती है इनर्ट एटमॉस्फेयर करने के कुछ भी नहीं आता तो उसमें तो बोलेंगे नोबल गैस किसी भी नॉबल गैस के बारे में यूज टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर सही ना इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है हीलियम इनर्ट एटमॉस्फेयर ये तो हर एक नोबल गैस प्रोवाइड करेगी हर एक नोबल गैस प्रोवाइड करेगी और दूसरा इसको हम क्या बैलून्स में फिल करते हैं वेदर कास्ट जो वेदर फोरकास्टिंग बैलूनस होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है वेदर फोरकास्टिंग बैलून जो होते हैं उसमें भी हीलियम भरी जाती है फिर इसके अलावा इसके अलावा बस ये ध्यान रखना इसके अंदर सूबा डाइवर्स सोल बता दिया और कई बार कई ना हीलियम जो है ऑक्सीजन के मिक्स करके अस्थमा को ट्रीट करने का काम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा में यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा इसमें भी यूज़ करते, इस करते हैं इसको हीलियम को बाकी और भी यूज़ के जैसे क्रायो सर्जरी जो होती है उसमें लिक्विड हीलियम डालते हैं ट्यूमर्स को क्योर करने के लिए जैसे नाइट्रोजन से ट्यूमर को करते थे क्योर ऐसे ही लिक्विड हीलियम से हम इसको अस्थम सॉरी जो ट्यूमर्स वगैरह हैं उसको इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स के अंदर ट्यूमर्स को को क्योर भी कर सकते हैं इससे भी तो ये भी क्रायो सर्जरी में भी यूज़ होती है इसके अलावा नियोन आ गए नियोन नेक्स्ट यूज़ नियोन के नियोन एक तो एल के अंदर फिल होती है फिल्ड एन एल ई डी एल सही ना इसके अंदर फिल होती है दूसरा साइन साइनबोर्ड जो है ये फॉग में भी दूर से दिख दिख जाते हैं इसलिए नियॉन लाइट्स आर यूज फॉर तो एक क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है नियॉन लाइट्स आर यूज फॉर वार्निंग सिग्नल्स आर यूज टू तो वार्न इन यूज इन वार्निंग सिग्नल्स यूज इन वार्निंग सिग्नल्स तो क्यों बिकॉज दे कैन बी सीन बिकॉज दे कैन बी दे कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस दे कैन बी सीन फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस इवन इन दॉग और मेस्ट न्यून साइन बोर्ड आजकल शॉपकीपर्स वगैरह भी यूज करते हैं डिजाइन बोर्ड होते हैं इसमें कलर वगैरह भी चेंज हो सकते हैं फॉग और मेस्ट इसमें भी दिख जाते हैं दूर से तो इसलिए इसको हम साइन बोर्ड्स की भी की तरह होर्डिंग्स वगैरह जो लगाते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए उसमें भी न्योन साइन बोर्ड्स यूज कर सकते हैं और सेफ्टी और डिवाइस में भी इसका यूज़ होता है टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज करते हैं इसको तो ये सारे यूजेज न्योन के आ जाएंगे फिर तीसरा आ जाएगा आर्गन सेकंड ये था फिर तीसरा थर्ड जो नॉवल आर्गन आर्गन तो पता है बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर होती है टू प्रोवाइड इन एटमोसफेयर इन इलेक्ट्रिकल फिर दूसरा इन टू प्रोवाइड इन एट एमसफियर नाइट्रोजन कांट भी यूज नाइट्रोजन थोड़ी बहुत रिएक्टिव होती है जैसे एच टू का केस में नाइट्रोन यूज नहीं करते क्योंकि एन टू एच टू के रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं तो टू प्रोवाइड इनट एटमोसफेयर क्योंकि ये ज्यादा इनर्ट होती है टू प्रोवाइड इनर्ट एटमोसफेयर किसी भी रिएक्शन में इनर्ट एटमोसफेयर अगर हमें प्रोवाइड करना तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा इलेक्ट्रिक बल्ब में तो मेन इसका यूज़ आता है होर्डिंग वगैरह में भी न्यू आर्गन का मिक्सर यूज करते हैं होर्डिंग्स होते हैं जो एडवर्टीजमेंट के लिए उसमें भी न्यू आर्गन का मिक्सर यूज करते हैं तो होर्डिंग में भी यूज कर सकते हैं इसको आर्गन को फिर इसके अलावा क्रिप्टन जन के कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है वोल्टेज को रेगुलेट करना है तो क्रिप्टन यूज़ करते हैं वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए कुछ नहीं पता तो टू प्रोवाइड इन एट फॉर वोल्टेज रेगुलेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन दिस कैन बी यूज उसके लिए यूज कर सकते हैं इसके अलावा और इसके अलावा तो ज़्यादा रेड ऑन तो रेडॉन रेडियो एक्टिव है तो ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर वगैरह के लिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रेडॉन आर एंड सॉरी रेडोन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर है तो अल्फा बीटा या गामा रेज अमिट करता रहता है हाफ लाइफ भी इसकी बहुत कम है तो इसलिए इसकी केमिस्ट्री ऑलमोस्ट अनोन है तो ये पता होना चाहिए इसके इंपोर्टेंट यूज बता दिए आप तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ऑलमोस्ट हो रहा है बस कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं इसके इसमें और क्वेश्चन क्वेश्चन ऑलमोस्ट जैसे क्वेश्चन किया गया हाँ विच वन ंट एक्ट ये एनसीआरटी का क्वेश्चन एक विच कांट एग्जिस्ट इसमें से किसका एग्जिस्टेंस नहीं है किसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो दे दीजिए जैसे एक्ससीओ एफ फोर एन ई एफ टू एक्ससीएफ टू एक्स एफ सिक्स तो देखते ही मार्क कर देंगे क्या आएगा आंसर इसका एन ई एफ टू क्यों क्योंकि नियोन के पास तो वेकेंट डी ऑर्बडर्स भी नहीं है और दूसरा इसकी एन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी एन एनर्जी इसके अंदर और दूसरा एन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी और क्या कहते हैं वेकेंट डी ऑर्बडर्स नहीं है इसके पास तो इसलिए इसको ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता दिस डिस्काउंट एग्जिस्ट बाकी तो उसके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया एनसीईआरटी लेवल पे कुछ और देख लेते हैं ग्रुप्स यूज वगैरह इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस पढ़ने सारे नेक्स्ट नोट कर सकते हैं जैसे आप क्वेश्चन पिछले जो ग्रुप के हैं पिछले ग्रुप के क्वेश्चन नोट कर लेते हैं जैसे कुछ हमने क्वेश्चन किए थे सेवनटीन ग्रुप के क्वेश्चन देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा रह गया था ये नोट करेंगे जैसे एच uh, सी अगर ऐड करते हैं पाउडर्ड आयरन पे तो फेरस क्लोराइड बनता है एफ ई ये क्वेश्चन एन सी आर टी का एफ ई में अगर एच सी एल डालते हैं तो एफ ई सी एल टू बनता है जबकि बनना चाहिए एफ ई सी एल थ्री क्यों ऐसा होता है एफ ई सी एल थ्री बनेगा भी तो भी उसको बनने नहीं देगा तो क्या रीज़न है इसका आयरन में जब एच सी एल डाला वाई एफ ई सी एल टू इज़ फॉर्म्ड नॉट एफ ई सी एल थ्री तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है बिकॉज एच टू गैस इज फॉर्म्ड एच टू गैस एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट तो जितना भी एफिस कट कर देगा दोबारा एफिस अंदर एच टू गैस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इट प्रिवेंट्स द कम्बेशन ऑफ आयरन टूर फेरेक्लोराइड यह देखना है एच टू गैस एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड प्रिवेंट्स फॉर्मेशन ऑफ एफीसीएल थ्री

एल ओ नेगेटिव का ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है और एनसीआरटी के एक्सरसाइज में है, इसका आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या हुआ न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा इसका तो इसका न्यूट्रल आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा ये क्वेश्चन आ सकता है इसका तो इसमें सॉल्यूशन है एक हो गया एच सी एल ओ एच सी एल ओ दूसरा एक एच सी एल हो जाएगा एच लगा दिया नेगेटिव हटा के दूसरा हो जाएगा सी एल एफ जो कि इंटर हेलोजन कंपाउंड है ये क्या है इंटर हेलोजन कंपाउंड सी एल एफ ओ माइनस एफ लिख दिया दोनों में इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सत्रह हैं हमारे क्लोरीन के अंदर और आठ हैं ऑक्सीजन के अंदर और एक नेगेटिव चार्ज है तो एक ऐड हो जाएगा तो छब्बीस इलेक्ट्रॉन इट इज ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तो काउंट कर सकते हैं कोई भी न्यूट्रल स्पीसी जिसमें ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉस हो एच में ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉन है सी एल एफ में ट्वेंटी सिक्स एक्ट्रॉन है एक और रास्ता ओ एफ टू इसमें भी ट्वेंटी सिक्स इक्ट्रॉन है ओ एफ टू में भी क्या है ट्वेंटी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स है तो और ये मॉलिक्यूल ये जो है ये काम करेगा लूइज बेस का क्योंकि इसमें सी के पास भी बहुत सारे लोन पेयर और एफ के पास भी बहुत सारे लोन पेयर इट कैन एक्ट एज लूज बेस ये ध्यान रखना है ये भी पूछा हुआ है इज इट ए लूइज बेस और लूज एसिड तो ये काम करेगा लूइज बेस का एच तो होता ही एसिड है एच क्या होता है एसिड होता है और ओर एफ में दोनों की इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसलिए चांसेस थोड़े कम होंगे सही ना फिर इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने कि फ्लोरीन जो है ये पॉजिटिव स्टेट क्यों नहीं शो करता पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट ये शो नहीं करता फ्लोरीन जो है एच ओ एफ ही बनाता है एच एफ ओ टू नहीं बनाता एच एफ ओ थ्री नहीं बनाता एच हFO... एफ हाँ, वो नहीं बनाता क्यों तो इसमें अभी सबका आंसर सेम सबका आंसर और फ्लोरीन डज नॉट शो डिसनेशन मतलब एच ओ एफ नहीं बनाएगा ओ लगा दो यहाँ पे बेशक एच ओ एच एफ ओ थ्री नहीं बनाएगा ये नहीं बना रहा डिस्प्रपोर्शनीशन शो नहीं करता ये तीनों चीज़ें शो नहीं तीनों का आंसर एक ही है एक तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तीनों का आंसर एक है फ्लोरीन जो है साइज इसका छोटा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वेकेंट डी ऑरप्रस नहीं है इसके पास स्मॉल साइज हाई, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और तीसरा एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो ये पूरा लिख के आना इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स तो ये तीन पॉइंट लिख के आने हैं इसके अंदर सही ना तो ये क्वेश्चंस ऐसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ पढ़ाते समय लेकिन अभी भी दोबारा डिस्कस कर दिया इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जैसे Uh, हाँ ये क्वेश्चन हालांकि मैंने डिस्कस कर लिया है हाउ कैन यू प्रिपेयर सीएल टू हाउ कैन यू प्रिपेयर सीएल टू फ्रॉम एच सी एल सी एल टू फ्रॉम एच सी एल एंड एच सी एल फ्रॉम सी एल टू तो ये क्वेश्चन है ते सीएल टू एच सी एल से बनाना है अगर सीएल टू एच सी एल से बनाना है तो ये हमने पढ़ा हुआ है डी कॉन्स प्रोसेस एच सी एल प्लस ओ टू सी की यू सी एल टू की प्रेजेंस में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हीट करते हैं सेवन ट्वेंटी थ्री एलोन पे क्या बन जाता है सी एल टू प्लस एच टू को तो ये कौन सा डी कॉन्स प्रोसेस डी कॉन्स प्रोसेस से हो सकता है तो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और सी एल टू से एच सी एल बनाना है तो वो तो बहुत सिंपल है सी एल टू में एच टू डाल देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो एच सी एल बन जाएगा सी एल टू से एच सी एल एच टू डाल देंगे सनलाइट तो बन जाएगा तो ये एक एनसीआर टी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हालांकि डिस्कस हुआ बड़ा पहले भी नेक्स्ट और क्वेश्चन ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन तो और इसमें क्या फिर इसमें ये है कि हाँ क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूज होता है क्लोरीन हाइड्रोजन में यूज होता है लेकिन क्लोरीन uh, हाइड्रोजन में यूज नहीं होता लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बराबर होती है के. ये में, ये में क्या होता है इन्वॉल्व होता है तो क्या आंसर आएगा कि क्लोरीन का बड़ा साइज होता है size. Size छोटा होना चाहिए चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए चार्ज डेंसिटी लोन पे देने के लिए ज्यादा होनी चाहिए ज लार्ज साइज तो ये आंसर आ जाएगा इसका क्लोरीन साइज इज़ नॉट इन्वॉल्व इन हार्ड इन ये क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीआरटी में फिर इसके अलावा फिर फिर जैसे ये क्वेश्चन है ग्रुप सिक्सटीन uh, से रिलेटेड कि एच टू एस ये हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ है एच टू एस इज लेस एसिडिक देन एच टू टी ई एच टू एस इज लेस एसिडिक देन एच टू टी ई लेस एसिडिक देन एच टू टी ई तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जैसे H2O की बात की H2S की बात की H2Te की H2Se की बात की H2Te की नीचे जाएंगे तो क्या होगा नीचे जाएंगे तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो प्रसारित देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बढ़ गई ये इलेक्ट्रॉन इधर गए ये इलेक्ट्रॉन लेगा लेकिन बॉन्ड क्या है इसका बहुत बड़ा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो एच टू एस ज्यादा एसडिक और एच टू एस ई आएगा तो और बॉन्ड बढ़ जाएगा एच टू टी ई आएगा तो और ज्यादा बॉन्ड बढ़ जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा बस सिंपल बोलना है डाउन द ग्रुप एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज देयर फॉर टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस इंक्रीजेस टेंडेंसी टू रिलीज एच प्लस इंक्रीजेसू टी मोर एच डू टी मोर देन सही ना तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड बॉन्ड लेंथ लेंथ के के बेसिस बेसिस पे पे बोलना से का सही तो इस तरह से आंसर देना इसका और इसके अलावा फिर जैसे क्वेश्चन है जिंक टाइटेनियम प्लेटिनम और आयरन में से जिंक टाइटेनियम प्लेटिनम और आयरन सिंपल सा क्वेश्चन है कोई टफ नहीं क्वेश्चन इनमें से कौन सा ऑक्सीजन से